नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में। दोस्तों, आज की ये क्लास आपकी विशेष होने वाली है, क्योंकि आज ये आपका तीसरा पार्ट होगा जीरो लेवल मैथ का नई बैच का। विशेषकर आप ये क्लास पीवीआर स्टडी ऐप्स पर देखते हैं, है ना। तो चलिए, आज के हमारे जो पॉइंट होंगे इस चैप्टर में ध्यान देंगे। पहले हम देखेंगे नंबर पैटर्न, मतलब संख्याओं का खेल खेलेंगे पहले आप सबसे मिलके, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट कम्स नेक्स्ट। देखो सब हिंदी में होगा, टेंशन मत लेना। मतलब उसके बाद क्या आएगा, जैसे मैंने कहा 201, तो 201 के बाद क्या आएगा, 202 आएगा, आप सभी जानते हो। इस पर आधारित कुछ सवाल होंगे, बड़े बड़े, छोटे बड़े। शेप्स के बारे में हम बात करेंगे, आकृतियों के बारे में, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर यानी कि आयत और वर्ग, है ना, सर्कल यानी वृत्त, इन सब के बारे में हम फीचर, उनका शेप, बहुत कुछ बात करेंगे। और फिर नंबर काउंटिंग भी डिस्कस करेंगे। ओके, रेडी हो जाओ सभी जिनको मैथ नहीं आती है। अगर आप इस क्लास को कहीं और देख रहे हैं, वैसे तो कहीं और देखेंगे नहीं, हो सकता है एक आध डेमो आपको दिखा दिया जाए यूट्यूब पर, तो आप पीवीआर स्टडी ऐप्स में अवश्य आएँ और कोर्स परचेज करें, ठीक ना। चलिए, 357 और फिर है ये डैश 911 में खाली जगह भरिए। अब आप सभी के दिमाग में आ गया होगा कि इसमें खाली जगह में क्या भरेंगे। देखो ये पैटर्न है साथियों, रीजनिंग की शुरुआत यहीं से होती है। आप बड़ी बड़ी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग पढ़ते हो, लेकिन अगर आपको बेसिक मैथ आती है तब आप रीजनिंग आसानी से बना सकते हो। छोटा सा दिमाग इसमें लगाना है कि 3, 5, 7, इनमें अगर आप एक चीज़ देखो तो आपको मिल रहा होगा इन सभी के बीच में 2-2 का अंतराल है। क्या है डिफरेंस? 2-2 का है ना। इसका मतलब जाहिर सी बात है जो अगला नंबर है इसके बीच में वो क्या आएगा, क्या आएगा बताइए। ये थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए था, है ना, कुछ आंसर भी दिया गया था। अब देखो फिर 11 भी है, इसका मतलब इसमें से अगर 2 कम करें तो क्या आएगा, 11 से 2 कम करो तो क्या आएगा, 9 आएगा ना, आएगा ना 9। इसका मतलब इस पे क्या रहेगा, 9 रहेगा। और इधर वाला जो 7 है, अगर इसमें 2 ऐड करो तो क्या आएगा, तब भी 9 आएगा, आएगा ना। इसका मतलब इस पे क्या होगा, 9 होगा। देखो समझने की कोशिश करना, वो मैंने क्वेश्चन आपके लिए बनाया था जो थोड़ा सा अभी मैंने बताया, थोड़ा सा हटाया, है ना। तो बस ऐसे ही होता है, बाकी कुछ नहीं। दूसरा क्वेश्चन इसमें देखना और तीसरा देखना, चौथा देखना, हम आपको इसमें कई क्वेश्चन दिखाएंगे और थोड़े ही समय में। इन पैटर्न में आप खाली जगह भरिए, गेस करिए क्या होगा, सोचिए सोचिए क्या होगा, क्योंकि हम जीरो लेवल से लेके चलते हैं ना आपको, जीरो लेवल से हाई लेवल तक। ज़रा दिमाग लगाओ, 9, 8, 10, 9, फिर क्या भरेंगे, फिर 10 आ गया। देखो ये पैटर्न है, 59, 54, फिर प्लस खाली है, फिर 47, 14, 17, 15, 18, फिर डैश है, फिर 19, फिर 17। ये पैटर्न है, रीजनिंग की यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों। चलो देखते हैं, अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 1 का है ना। और इन दोनों के बीच में अगर अंतर देखो तो 2 का है, और इन दोनों के बीच में देखो तो फिर क्या है, 1 का है। ज़रा अगर एक बात का ध्यान दो तो देखो, 1 कम हुआ ना, 1 कम हुआ और फिर 2 बढ़ गया, और देखो फिर 1 कम हुआ ना, सीरियल बन गया कि नहीं बन गया। 1 कम हुआ, 2 बढ़ गया और फिर 1 कम हुआ, इसका मतलब फिर 2 बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब जब साथियों इसमें 2 बढ़ जाएगा तो ये 11 हो जाएगा, है ना। और जब इसमें से फिर 1 कम करोगे तो देखो 10 आ जाएगा ना, इसका मतलब सही बैठ रहा है ना, 11 भरेंगे ना। लेकिन वैसे दिमाग लगाओगे तो कतई नहीं आएगा। ये होता है पैटर्न जो कि क्लास 2 में हम पढ़ते हैं, 1-2 की मैथ आप पढ़ रहे हैं, NCERT में यही अंतर होता है, ठीक ना। चलिए 59, 54 और इसमें क्या होगा, ज़रा दिमाग लगाओ, इन दोनों में क्या अंतर है। ये देखो 4 इंक्रीज हुआ है ना, 4 इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज वक्त डिक्रीज हुआ यार, डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, घटा है ना। फिर अगर आप गैस करो तो यहाँ पर कुछ रहा होगा और यहाँ पर ना, इन दोनों में क्या रिलेशन है। देखो इससे ये 8 कम है, कितना कम है, 8 कम है। यहाँ देखो ये 4 घट रहा है ना, इसका मतलब ज़रूर हो ना हो इसके दोनों के आधे का ही उस पर भरा जाएगा, यानी इसमें से 4 घटाओगे तो कितना आएगा, 51 आएगा ना, 51, यानी इसमें से जब 4 माइनस करोगे तो ये 51 आ जाएगा, और इसमें से जस्ट 4 माइनस करो तो 47 भी आ रहा है,
आ रहा है ना, इसका मतलब ये पैटर्न बन रहा है, बराबर बराबर का हिसाब है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ध्यान से देखोगे, रेगुलर जीरो लेवल मैथ देखोगे, पक्का गारंटी मैथ और रीजनिंग आ जाएगी, कभी नहीं भूलोगे। चलिए 14, 17 और 15, 18, इसमें क्या हालचाल है? ध्यान से देखना इन दोनों में आगे पीछे रिलेशन क्या है, बस यही देखना, बाकी कुछ नहीं। देखो ये क्या है, इससे तीन बढ़ रहा है, तीन बढ़ रहा है, और ये इससे क्या है, दो कम हो रहा है ना? फिर देखो ये तीन बढ़ रहा है, और फिर देखो ये क्या है, दो तीन, ओ कुछ गड़बड़ है क्या? एक मिनट देखना, हो यहाँ नहीं जाएगा, बीच में जगह है ना, इसी पे तो भरना है ना यार। फिर से देखो, तीन बढ़ा है, दो घटा है, फिर तीन बढ़ा है, इसका मतलब फिर दो घटेगा कि नहीं? क्रम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तीन बढ़ा तो 17 हुआ, फिर दो घटा 15 हुआ, और फिर तीन बढ़ा तो 18 हुआ, इसका मतलब फिर दो घटेगा तो ये 16 होगा, है ना? और फिर तीन बढ़ेगा जब तो ये 19 हो जाएगा, और फिर दो कम होगा तो ये 17 हो जाएगा। मतलब आगे पीछे का हिसाब बराबर होना चाहिए आपके रूल पर। इसका मतलब ये था नंबर पैटर्न। ओके नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो फटाफट, या स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन स्क्रीनशॉट तो ले नहीं पाओगे यार, ऐप्स में देख रहे हो तो सारी प्रतिबंधित है प्रक्रियाएं। वीडियो को रोक करके आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, पेंसिल और कलम से बस। चलिए करिए जल्दी से। और हाँ, अगर ये डेमो क्लास के रूप में आप इसे यूट्यूब या फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे आप सभी को शेयर कर दें और बता दें कि इस तरह की क्लास ऐप्स में चलती है, वो भी आएँ और परचेज करें, ठीक ना? गारंटी के साथ मैथ सिखाई जाएगी, उम्मीद यहाँ से आपकी बन जाएगी, क्लास देख लो पूरा। तो अब हम देखेंगे व्हाट कम्स नेक्स्ट, यानी आगे क्या आता है। ये एक टॉपिक है क्लास 2 एनसीईआरटी में साथियों, बच्चों को सिखाने के लिए, तो आप भी आज बच्चे बने हैं तो आप भी सीख लो। व्हाट कम्स नेक्स्ट, इसके आगे क्या आएगा? जैसे डे नाइट, रात दिन, रात मतलब दिन के बाद रात आई, रात के बाद क्या आएगा, ये आपको दिमाग लगाना है। अब बच्चे तो हो नहीं, बड़े हो गए हो तो जान ही रहे हो, है ना? नाइट के बाद फिर से डे आएगा। ओके मंडे है, ट्यूजडे है, अब ट्यूजडे के बाद क्या आएगा? ये क्लास टू के मेरे लिए मैथ है, ये बिल्कुल सीखने वालों के लिए। तो जिनको मंथ का नेम और डे का नेम नहीं आता उन्हें तो नहीं आएगा। तो भाई सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार आता है, और बुधवार को इंग्लिश में वेडनेसडे कहते हैं, है ना? जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च के बाद क्या आएगा? वही गर्मी वाला महीना, अप्रैल, है ना? तो इसमें सब हिंदी में ही है, कोई समस्या होगी तो बता देना। जैसे 18, 19, 20, 20 के बाद क्या आएगा? आप सभी जानते हो, काफ़ी समझदार हो, 21 एक शुभ संख्या मानी जाती है ना? तो ये आपका हो गया व्हाट कम्स नेक्स्ट। अब हम बात कर लेते हैं शेप्स के बारे में, और फिर बात कर लेते हैं नंबर काउंटिंग के बारे में, मतलब कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल, वो भी एकदम बेसिक से और स्टार्टिंग से। इसके आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन टॉपिक तो बढ़ने दो ना, अभी तो ये तीसरा पार्ट है बस। क्या आप इन आकृतियों के नाम जानते हैं? इनको आपने देखा तो होगा कहीं डिब्बा ढोल जैसे, लेकिन क्या आप इनका नाम जानते हो, गणित की भाषा में क्या बोलते हैं? चलो देख लेते हैं। ये है स्क्वायर, है ना? इनका नाम बताना है क्या? ये स्क्वायर है, जिसे हिंदी में वर्ग बोलते हैं। लेकिन इसकी खासियत क्या होती है, कैसे पहचानोगे कोई चीज़ वर्ग है कि नहीं है? कैसे पहचानोगे कोई चीज़ वर्ग है कि नहीं है? जैसे मैंने ये कॉपी लिया है, तो क्या ये वर्ग है? नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई जो है, ये देख रहे हो ना, ये ऊंचाई, या फिर ऐसे कर लूँ तो मैं, क्या हो जाएगा, ये लंबाई ज़्यादा है और ये चौड़ाई कम है, इसलिए ये एक वर्ग नहीं है। ये रेक्टेंगल हो सकता है, आयत हो सकता है। क्यों? क्योंकि आयत की जो है, ये देखो लंबाई बड़ी होती है, चौड़ाई छोटी, आयत हो सकता है लेकिन वर्ग नहीं हो सकता है। कहने का मतलब, वो आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वो क्या होता है? वर्ग होता है, मतलब चारों बराबर हों। अगर ये दो है तो ये भी क्या हो? दो हो, ये भी दो हो और ये भी दो हो, चारों बराबर हो। आयत की क्या खासियत होती है रेक्टेंगल की? साथियों ये रेक्टेंगल है लेकिन क्यों है मालूम है? क्योंकि इसकी खासियत होती है कि कोई भी आकृति, कोई भी फिगर, अगर उसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो आयत होगा। आमने सामने मतलब जितना ये है उतना ये हो। लेकिन हाँ, उसकी संलग्न भुजाएं बराबर ना हो आपस में। संलग्न भुजाएं मतलब ये भुजा इसके बराबर ना हो। अगर ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी तब तो फिर ये आयत नहीं बनेगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक ना? तो अगर ये जो है दो है तो ये भी दो हो, लेकिन ये दो ना हो, ये तीन या चार हो,
ठीक ना, लेकिन आमने सामने की बराबर हो। और एक कोई जो गोल सी आकृति आप देखते हैं अंडा के जैसे एकदम, वो क्या होता है? वृत्त होता है, जिसे इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्त, सर्कल बोलते हैं इंग्लिश में, CIRCLE। इसे बोलते हैं आयत, यानी कि रेक्टेंगल। नोट कर लो, पहचानना इनको बहुत काम आएंगे लाइफ में। ये है वर्ग, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, SQUARE। ओके साथियों, आपने घर में गैस का सिलेंडर देखा होगा, पाइप देखी होगी, बहुत सी ऐसी वस्तुएं देखी होंगे, डिब्बा वगैरह देखे होंगे, है ना? कुछ ऐसे होते हैं उनको रख दो तो ऐसे रखे रहते हैं, लकड़ी का जैसे कोई टुकड़ा हुआ, है ना, पानी का बॉटल वगैरह। वो बेलन आकार के होते हैं, मतलब जिनको लुढ़काया जाए ढलंग सकें। जैसे देखो ये मार्कर की इंक, देखो ये क्या है, बेलनाकार है। बेलनाकार का मतलब जो ऐसे लुढ़का दो ढनकता चला जाए ऐसे। ढनकने का मतलब ये नहीं कि गेंदा भी ढनकता है, गेंद भी, गेंद नहीं, मतलब जो ऐसे हो लंबाई में और गोला भी हो ऐसे। बात समझ रहे हो ना? यहाँ मैं कंचा या गेंद की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसे क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं, सिलेंडर आकार यानी कि बेलनाकार, तीन भुजाओं से बंद आकृति, यानी कि कोई टोपा की तरह दिख रहा है, तो क्या है वो? त्रिभुज है। त्रिभुज है जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल, TRIANGLE। इसे सिलेंडर बोलते हैं यार, और हिंदी में भी शायद सिलेंडर ही बोलते हैं, हिंदी में बेलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेलन। ठीक ना, बात समझ में आ रही? तो नोट कर लो जल्दी से, ये कुछ बेसिक आकृतियां हैं जिनके बारे में हम आपको दिखा दिए हैं। इससे ज़्यादा हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये बेसिक क्लास है, इससे ज़्यादा आप देखेंगे क्लास 7-8 में, जहाँ हम इनके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक ना, तो चलिए आगे देखते हैं। चलो नंबर काउंटिंग भी देख लेते हैं, नहीं तो आप कहोगे नंबर काउंटिंग नहीं दिखाए। ठीक ना, चलो ओके। देखिए साथियों, नंबर काउंटिंग में हम लोग क्या गिनेंगे? जैसे 20 में हमने क्या ऐड कर दिया कि 23 आ जाए, इसे हर कोई जानता है कि 20 में क्या ऐड करेंगे 23 आएगा। चूंकि छोटा सा नंबर है आप कहोगे 3 होगा, लेकिन अगर नंबर बड़े हो जाएं तब क्या करोगे? देखो निकालने का तरीका समझना साथियों, निकालने का तरीका ये होता है, जिस नंबर में ऐड करना है और जितना लाना है, जितना लाना है पहले उसको लिखते हैं। जैसे ये 23, कितना लाना था? 23। और किस में ऐड करना था? 20 में। तो इसमें से इसको ऐसे घटाते हैं, 3 आया ना, जो आता है सबट्रैक करने पे वही यहाँ का आंसर होता है। तरीका समझ लो, बाद में आगे चल के भविष्य में बहुत काम आएगा। ठीक ना, कि इस संख्या में क्या जोड़ें कितना आ जाए, तो उसके लिए क्या करोगे? इसमें से इसको को घटा दोगे। ठीक, अगला 48 में क्या ऐड करें कि 59 आ जाए? देखो ऐसे तो आ जा नहीं नहीं जाएगा अपने आप से दौड़ के, आपको 59 से 48 को क्या करना है? सबट्रैक करना है। 1 आया 1, इसका मतलब 11 है ना, बात पक्की। अगला देख लो इधर साइड में, देखो यार 27 में क्या ऐड कर दें कि 32 हो जाए, सोचो क्या ऐड कर दें। देखो ऐसे नहीं मालूम चलेगा, तो इसमें से सबट्रैक कर लो, ये 27, ये 5 आया, इसका मतलब 5। अब वैसे अगर इसकी बात करें हम, तो ये तो बहुत आसान है, 49 से क्या सबट्रैक करें? 32 आ जाए, चूँकि 32 छोटा है, लाना है घटा करके लाना है, सब में जोड़ करके लाना था, इसलिए आप इसमें से इसको नहीं घटाओगे बल्कि इसमें से इसको घटाओगे। तो ये 9 में से 2 गया 7, यानी 17, कितना आएगा? 17। तो ये था नंबर काउंटिंग। तो साथियों अपने विचारों को ज़रूर कमेंट करना, ये क्लास आपको कैसी लग रही है? वैसे हमने सोचा इसको डेमो देने के लिए यूट्यूब पे सबको। चलिए फिर फटाफट होमवर्क नोट करिए, जल्दी करिए, होमवर्क लिखिए तुरंत, वीडियो को स्क्रीन पे टच करके रोक लीजिए और लिख लीजिए कॉपी में, तुरंत जल्दी करें, कंप्लीट करना इन पैटर्न को, जैसे मैं सिखाया हूँ पहले, इन नाम को प्रयोग करके पैटर्न बनाना सब सिखा दिया हूँ ऑलरेडी। ठीक ना, होमवर्क बहुत ज़रूरी है, इस क्लास की खासियत भी सबसे बड़ी यही है। क्वेश्चन नंबर 3rd देख लो और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक ना, 3rd वाले में रोल और स्लाइड करने वाली वस्तुओं को छांटना है, इसको हमने आपको दूसरी क्लास में पढ़ाया था, कौन सी वस्तुएं रोल करती हैं कौन सी वस्तुएं स्लाइड करती हैं, है ना, रोल और स्लाइड का अंतर भी बताया था। इसके बाद आकृतियों के नाम लिखना इन फिगर के, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना, ठीक ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना, एक नई आकृति दिया हूँ उसको भी पहचानना। और एक होमवर्क मैं आपको और भी बता दे रहा हूँ, ये सभी होमवर्क आप लगा करके PBR Study के व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे, जो छात्र छात्राएं क्लास को ज्वाइन किए हैं उनका जरूर चेक किया जाएगा। ठीक ना, व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर।
साथियों, अगर बेसिक सीखना है तो सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके लिए आप इन क्वेश्चन का जवाब देना। सप्ताह के प्रथम और अंतिम दिन का नाम, वर्ष का सबसे छोटा महीना कौन सा है और वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं। देखिए, ये सामान्य ज्ञान की बातें हैं, लेकिन अगर बेसिक मैथ सीखना है तो ये सब आने चाहिए, तभी आप सीख पाओगे। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ इनका वर्क लगता है, मतलब काम लगता है। ज़रूरी नहीं कि आप अगर ये नहीं जानते हो तो मैथ नहीं सीख सकते हो, तब भी सीख सकते हो, लेकिन अगर जानते रहोगे तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए सामान्य ज्ञान में रुचि रखें, न्यूज़पेपर देखें, मैगजीन देखें और पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ों को पढ़ें। दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, वो भी जानें, ठीक ना। तो इसके आगे देखेंगे अगली क्लास में। याद रखिएगा, चौथी क्लास में हम लोग क्या देखेंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, छोटे छोटे सवालों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सबसे पहली क्लास में हमने देख लिया था, है ना, देख लिया था ना। तो अगली क्लास में हम कक्षा 3 की मैथ देखेंगे। क्लास 3 की NCERT मैथ हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। जोड़ घटाना गुणा भाग इसके बाद आता है, जो हम पढ़ चुके हैं पहले से, ठीक ना। तो इस तरह से आप कक्षा 1 और कक्षा 2 की मैथ पढ़ चुके हैं 3 पार्ट में। अब कक्षा 3 की शुरू होगी, ठीक ना। इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, याद रखना। कक्षा 2 में कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए, बस यही सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चे पूरे साल सीखते हैं, लेकिन आप तो एक ही बार में सीख जाओगे ना। मिलते हैं फिर, जय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। वैसे ये वीडियो हमने आप सभी को लिए YouTube पर शेयर करने को भी परमिशन दे दिया है, तो आप सभी इनको देख लीजिएगा। अगर आप YouTube पे ही देख रहे हैं तो PBR स्टडी का ऐप्स अवर से इंस्टॉल करें और आप इस तरह की सभी क्लास को PBR स्टडी के पेड क्लास में पा सकते हैं, जिसके लिए थोड़ा सा शुल्क का भुगतान करना होगा। तो चलते हैं फिर, शुक्रिया।